गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, कक्षा 8 की गणित का दूसरा भाग। दोस्तों, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होगा। हमारी कोशिश होगी आधे घंटे की क्लास में हम लोग 3 घंटे का मटेरियल पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 की गणित का पहला भाग आप लोग देख चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से। इसको हाथ से पकड़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभ्यास 1 का ए हम लोग देखेंगे। देखिए, आज का जो फ्रैक्शन होगा ना, भिन्न जो होंगी ना, वो ऋणात्मक होंगी। जैसे देखो, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आपको होता है। तो मैं पहले तो आपको चिन्ह का कन्फ्यूजन का सिस्टम दूर कर दूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी दो संख्या है, जैसे -2 है और इसका गुणा हो रहा है -3 में, तो क्या होगा? सोचते रहो जल्दी से। और -2 है, इसका गुणा हो रहा है 3 में, तब क्या होगा? और -2 है, इसका गुणा -3 में हो रहा है, तब क्या होगा? और -2 का गुणा जब -3 में हो रहा है, तब क्या होगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बता रहा हूँ फंडा, ध्यान देना, हर जगह काम आएगा लाइफ में। एक बात याद रख लो, अगर दोनों चिन्ह एक समान है, मतलब दोनों धन है या दोनों ऋण है, तो क्या होगा? उत्तर प्लस में आएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो माइनस में आएगा। बस इसमें देखो, दोनों एक समान है, दोनों माइनस में, इसलिए उत्तर प्लस में आएगा, 6 होगा। इसमें दोनों धन में है, इसलिए 6 होगा, प्लस में आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तो प्लस में आएगा, बाकी सब में माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा। ये है बेसिक फंडा। साथियों, आपको याद दिला दें, अगर आप डेली और रेगुलर पढ़ना चाहते हो ना, तो क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम आपको नंबर दिखाएंगे, ऊपर भी आपको नंबर दिख रहा है। अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, पूरे 100% गारंटी होगी बेसिक मैथ सिखाने की। ज्वाइन करने का कोई आपको मंथली चार्ज नहीं देना, एनुअली कुछ भी चार्ज नहीं देना, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी फंडा पर अब आप देख लो, धन और ऋण का गुणा क्या होगा। पहले धन है, अंदर में ऋण है ना, तो फिर एक अलग चिन्ह है, एक अलग है, तो हो जाएगा माइनस। तो ये फाइनल में आपका 4/5 माइनस हो जाएगा 2/5। इस तरह का भिन्न तो आपने कल पढ़ लिया था। अगर दोनों जो है क्या, अंश और हर क्या है, दोनों बराबर है, सॉरी हर हर बराबर है, तो क्या करते हैं, नीचे वाला गिनती लिख लेते हैं हर, ऊपर का घटा लेते हैं। तो 4 - 2 थोड़ा स्टेप में कर दे रहे हैं हम, तो 2/5 आएगा। ये था बिल्कुल सिंपल सा तरीका। अब हम कुछ सवाल आपको इकट्ठा करवाएंगे, ध्यान से देखना। देखिए, आपकी क्लास चाहे 25 ही मिनट की हो, लेकिन आपको टॉपिक मिलेगा ढेर सारा। इसमें चिन्ह का ही खेला है, बाकी सब वही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों चिन्ह लगाए माइनस ना, तो क्या करोगे? ये तो और भी आसान है। कहते हैं ना, अगर दोनों एक है जैसे मिल जाते हैं ना, एक है बुद्धि के, तो और आसान हो जाती ज़िंदगी। तो ये दोनों माइनस है, तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से प्लस हो जाएगा, अगर नीचे ऊपर दोनों माइनस है। तो फिर ये प्लस है और ये 2 है, ये 5 है। अब तो बन गया ना आसान, नीचे का हर हर बराबर है, आंसर जोड़ लोगे, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 6/5। क्या आया? 6/5। ये बहुत आसान था। बस अगला देखो, उसमें भी चिन्ह का ही बात है। इसमें माइनस पहले लगा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, इसको ऐसे रहने दो। और धन ऊपर 2, नीचे एक बड़ी सी लाइन खींच के 5 लिख दोगे, क्योंकि जो हर है वो 5 है। ये हो गया इक्वल, ये होता है क्या, -2/5। कैसे आया? देखिए, एक फंडा समझ लीजिएगा, 4 के पहले माइनस लगा, इसका मतलब 4 ऋणात्मक है, 2 के पहले धन लगा, इसका मतलब 2 धनात्मक है। उत्तर में उसी का चिन्ह आता है जो गिनती बड़ी होती है, 4 बड़ा है ना 2 से, इसलिए माइनस आया। कहीं भी समझ लेना, जो गिनती बड़ी होगी उसके पहले जो चिन्ह होगा, उत्तर में वही चिन्ह लगाया जाएगा। अब ये तो हो गया ख़त्म। दूसरा देखिए, हर का लासा लेकर के हल करना है। कक्षा 8 की गणित की किताब देखोगे तो ये तीसरा सवाल है। दूसरा संख्या रेखा वाला हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, उसको बताएंगे जो लोग ज्वाइन करेंगे तो स्पेशल क्लास में। कमेंट करके बताइएगा आपके काम का होगा तो, वो कोई विशेष मतलब का नहीं। तो इसमें 12 और 16 का आप निकालोगे एलसीएम, और जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका एलसीएम। मतलब एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, बताइए। हमारे समझ से 48 होगा वो, चलो निकाल लेते हैं।
दो से काटेंगे छः आएगा, आठ आएगा, फिर दो से काटेंगे तीन चार आएगा, फिर दो से काटेंगे दो, दो दुना चार दुना आठ, त्रिक चौबीस दुना अड़तालीस, कितना आया? अड़तालीस आया ना। एलसीएम निकाल लेना, यहाँ पर एलसीएम नहीं बता रहे। नहीं आएगा एलसीएम तो कमेंट करना। अब जो एलसीएम आया उसको क्या करोगे पता है? उस एलसीएम में पहली भिन्न के हर से भाग करोगे। तो चलो ठीक है, पहली भिन्न का जो हर है वो क्या है? बारह है, बारह इससे अड़तालीस में भाग करोगे तो चार बार जाएगा, तो ये बारह चौक अड़तालीस हो जाएगा। देखिए ये भी फोर है और ये भी फोर है, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो चार गया ना ऊपर, उससे आप इसके अंश वाले में गुणा करोगे ऊपर में, तो चार का गुणा पाँच में करोगे तो बीस धन। वही प्रक्रिया इसमें भी करोगे, ज़रा ध्यान देना। अभी मैं चिन्ह का कोई लफड़ा नहीं कर रहा हूँ, वैसे लिख दे रहा हूँ। जब 16 से भाग करोगे 48 में, भाग करके देखना तीन आएगा, 16 तीन 48, जो ऊपर तीन आएगा ना उस तरह से, उसका इसमें गुणा करोगे तो तीन सतह हो जाएगा माइनस 21। अब ये धन ऋण का गुणा अपना निपटा लो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 21 बटा हो जाएगा 48। देखो माइनस का चिन्ह जो है वो गिनती बड़ी है, इसलिए माइनस 1/48 आपका उत्तर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, हम ज़रूर बताएंगे आपको बिना किसी टेंशन के, बस देखते रहना। और पूरा क्लास देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्लास को बीच में छोड़ के मत जाना बस, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लिए होगे। तो देखिए साथियों, इसका जो एलसीएम हो जाएगा उसको बाद में करेंगे, पहले माइनस माइनस लगा है तो ये हो जाएगा ख़त्म, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4/33। दोनों काम आप कर सकते हो, चाहे तो आप पहले हल कर लो बाद में चिन्ह का निपटारा करो जैसे इसमें किया था, चाहे तो पहले चिन्ह का निपटारा कर लो। इसमें ज़्यादा झाल लग रहा था इसलिए हमने चिन्ह पहले हटा दिया। 11 और 33 का एलसीएम लोगे तो 11 आएगा। इसको यहाँ पे लगाने से बताना कमेंट करके, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब 33 में उसी तरह का करोगे जैसे इसमें किया था, 11 का भाग करोगे 33 में तो 3 आएगा, 3 का इसमें मल्टीपल करोगे 9 हो जाएगा माइनस 33 को जब 33 से डिवाइड करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि 33 एलसीएम आया है तो 1 आएगा, और 1 का 4 में करोगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से सबट्रैक करोगे तो 5/33 5/33 आएगा। जल्दी से इसको छाप लो, फिर आगे चलते हैं। मित्रों ये क्लास सुबह 5 बजे से डेली होती है, अगर आप उस टाइम पे नहीं देख पाते हो तो इसे बाद में कभी भी देख सकते हो। अभी ये क्लास आगे भी चलेगी, कहीं भाग के मत जाना, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टडी से संबंधित मटेरियल के लिए विजिट करें pvrstudy.com, और ये सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तुरंत। जिस पर आप जुड़े हैं वो दूसरा चैनल है, जिस पर आप देख रहे हो दूसरा चैनल है। तो PVR स्टडी ग्रुप, मैथ आसान है, PVR स्टडी ब्लॉग्स और PVR स्टडी इलाहाबाद, ये सभी आपके अपने चैनल हैं, सभी को सब्सक्राइब करके रखें। हम आपको हर चैनल के माध्यम से मैथ सिखाते हैं अच्छी तरह से, बाकी और भी क्लासें होती हैं। फेसबुक पर आप पेड वाली क्लास को 70% तक फ्री पा सकते हो। PVR स्टडी को अभी फेसबुक पर सर्च करके लाइक और फॉलो अवश्य कर लेना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ये बातें यहीं पर ख़त्म। देखिए प्रिय अभ्यर्थियों, चाहे मान ज्ञात करने को कहे, चाहे तो आपको हल करने को कहे, मतलब एक ही होता है। कक्षा 8 की बुक में ये सवाल दिया है, ध्यान से देखना, एक मैं बताऊंगा एक आप खुद से करोगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सवाल को लिखते हैं, जो बेचारा अकेला होता है उसके नीचे एक छिपा के इसकी भी जोड़ी बना देते हैं, और ये फिर प्लस और ये माइनस जो है इसका हम झंझट ही ख़त्म कर दें, काहे लिए फालतू का लगाएं। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, सभी लोग जानते हो, तो 11/9 हो गया। अब आप चाहे तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, चाहे एलसीएम ले लो। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल ज़्यादा आसान रहेगा, 9 × 2 = 18 और 11 × 11 और 9 × 1 = 9। घटाओगे 11 में से ये हो जाएगा 7/9। देखो कितना आसान था ना, एलसीएम लोगे तब भी वैसे होगा। ये सवाल आप खुद से करोगे, उसके बाद चलिए हम आपको और भी आगे दिखाते हैं, बस देखते रहना। देखिए मित्रों, आप देख रहे हैं कक्षा 8 की गणित, तो उसमें हम एक तरफ से चल रहे हैं। अभ्यास 1 का भी देखना, एनसीईआरटी मैथ की बुक जो सरकारी स्कूल में लगती है उसके अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 1 भी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें जो पहला दिया गया है कह रहा है कि ये सत्य है कि असत्य है, मतलब इतने को जोड़ेंगे तो क्या इतना आएगा? अगर आएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है। चलो देखते हैं, माइनस है ना ये, इसको माइनस ही रहने दो। इसको ब्रेकेट खोलोगे तो धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो फाइनल में आपका ये माइनस 4 और ये प्लस माइनस माइनस 4 दोनों का बराबर है, नीचे का भाग इतना आएगा ना,
माइनस माइनस जब जोड़ोगे तो माइनस आठ हो जाएगा बटा ये पाँच हो गया। इसका मतलब सत्य है ना, सत्य काट लेना। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल का लफड़ा क्या है, मैं ज़्यादा लिखा नहीं हूँ क्योंकि इंक बहुत महंगी पड़ती है, आप लोग इसको टाइटल लिख लेना, कोई मतलब नहीं है, किताब में देखोगे तो मिलेगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। निम्नांकित उसके बाद क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। परिमेय संख्या को जोड़ करके बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो एक बात अभी कान खोल करके पहले सुन लीजिए, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही होती है। जैसे अगर किसी दो इंसान से बच्चे होंगे तो इंसान ही होगा, वो कोई बैल या घोड़ा हाथी नहीं पैदा होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसको जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही आएगा कुल मिलाकर के फाइनल में, माइनस तीन बटा चार और तीन जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये माइनस तीन धन चार तिहाई हो जाएगा, बारह बटा चार, और ये घटाओगे ध्यान देना प्लस माइनस घट जाएगा तो नौ आएगा, नौ तीन बारह ना, और नौ बटा क्या आएगा चार, माइनस का चिन्ह नहीं लाएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो नौ बटा चार क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो बस ये परिमेय संख्या है, इसको आप खुद से बताना परिमेय संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर नीचे लिखोगे आता है यह परिमेय संख्या है या फिर ये परिमेय संख्या है। तो ये तो हो गया आपका दो नंबर तक, आगे देखना तीसरा। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने का मतलब समझना, जैसे दो पार्टी है तो दोनों को साल्व करना है, साल्व करके ये बताना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। लेकिन इसमें कह रहा है हल करके सत्यापित कीजिए, इसका मतलब दोनों बराबर आएंगे, है ना। तो दोनों पक्षों को हल करना है, ये देखो यहाँ पे बराबर लगा है, इधर का भाग और इधर भाग दोनों हल करना है, दोनों बराबर आएगा। तो हमने इसमें का जो तीसरा सवाल था, तीसरा देखिए साथियों, तीसरा सवाल देखिए ध्यान से देखना। तीसरा सवाल कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तीसरे में तीन भाग दिया गया, जिसमें से जो सबसे टॉप पॉट है, बड़ा सवाल है, उसको मैं करूँगा। तो दोनों पक्षों को अलग अलग करना है, सत्यापित करना मतलब दोनों बराबर आएगा। चलिए पहले एक साइड का करते हैं, इसको आप हल करोगे, माइनस चार बटा सात ऐसे रहेगा, ये कोष्ठक ऐसे रहेगा, बीच में प्लस वन अपान फोर, ये बंद हो गया, क्लियर। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस सेवन अपान सिक्सटीन, इतना बात समझ में आ रही ना। इस भिन्न को हल कर लो, जो आएगा नीचे लिख देना। चलिए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, दूसरी जगह कहीं पर, माइनस चार बटा सात धन एक बटा चार। देखिए क्लास रात्रि के लगभग एक बजे रिकॉर्ड हो रही, ध्यान देना, है ना। तो अगर कहीं कुछ मिस्टेक होगी तो कमेंट करना, वैसे कोशिश होगी कहीं कुछ नहीं होगा। चार का चार में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सोलह, और ध्यान देना क्रॉस मल्टीपल वाला कर रहे हैं। सात का एक में करोगे तो ये हो जाएगा सात, और ये सात चौक अट्ठाईस, इस तरह से आएगा माइनस नौ बटा क्या आएगा, ये अट्ठाईस, है ना। नौ सात सोलह होता है ना, घटाओगे तो माइनस नौ आएगा, यानी कि कुल मिला करके फाइनल में ये माइनस नौ बटा अट्ठाईस और बाहर सात बटा सोलह था। अब इस भिन्न को आप हल कर लो, जो आए नीचे मान रख दो, उसको मैंने हल करके आपको बता दिया। तो ये लो इधर देखो, हल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान देना। माइनस नौ बटा अट्ठाईस माइनस सात बटा सोलह, पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। 16 और 28 का एलसीएम जब आप करोगे, अभी एक बार हमने कला बताया था आपको, थोड़ा मिस्टेक था उसमें, है ना। तो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा कमेंट करके बताओ, 14 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर से करोगे 7 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। बस एलसीएम आपके सामने आ चुका है, दो दुना चार सते 28, देखिए सार तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 28 का जब आप 4 में गुणा कर दो तो 4 अठे 32 हासिल आया, तीन चार दूना आठ तीन ग्यारह, 112 आ जाएगा। तो इस तरह से आप नीचे लिख दोगे 112। जब आप 112 का क्या करोगे, 112 में भाग करोगे 28 से, करके देख लो तो कितना आएगा, अभी वही जो आया था चार, चार आएगा ना, भाग करके देखो। चलिए दिखाते हैं आपको, जाने दीजिए जो भी है, इस हर से भाग करते हैं एलसीएम में, ये तरीका होता भिन्नों का हल करने का। तो करके देख लो, फिलहाल ज़्यादा टाइम न बिताते हुए 112 को 28 में भाग करोगे, आप जानते हो कि 4 8 32 चार बार जाएगा, 4 8 32 हासिल, 3 4 2 8 3 11,
चार बार गया ना, उस चार का गुणा आप किस में करोगे, इस नौ में करोगे, तो क्या होगा, 28 का भाग किया 112, एलसीएम में चार आया, चार का नौ में गुणा किया ये हो जाएगा 36, और फिर माइनस 16 से भाग कर लो 112 में, 16 का पहाड़ा आता होगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 होता है, 7 आएगा ऊपर, उस 7 का इस 7 में गुणा करोगे 49 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लोगे, 9 छः 15 के 5 हासिल आया 1, 4 3 7 1 8, दोनों माइनस है इसलिए माइनस आएगा, यानी फाइनल में जब आप इन दोनों फ्रैक्शन को हल करोगे तो माइनस 85/112 आएगा। इसका आंसर यहाँ पे ला करके लिख दो, ठीक ना, इसको दूसरी जगह हल करके आप ला के लिख सकते हो, ये हो गया तरीका, नहीं तो अगर यहीं पे हल करोगे तो बहुत बड़ा होगा ये, आएगा नहीं इतने में, बात समझ में आई। तो ये हमें सिद्ध करना है, मतलब इतना ही इसको भी हल करने पे आना चाहिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं शॉर्टकट में, अब तो आप लोग लगभग चीज़ें सीख ही गए हो, तो कहाँ देर है इसको हल करने में, ध्यान देना। इसको हल करोगे माइनस 4/7 और प्लस ये 1/4 और ये प्लस माइनस माइनस 7/16 है ना साथियों, बहुत आसान है ना, ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा, पूरा क्लास देखना, जाना मत छोड़ के बीच में। इसको कहीं चलो हल कर लेते हैं साइड में बगल में, तो ये हमारा है 1/4, आपका भी है, हमारा अकेले नहीं है। 16 और 4 का एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 16 ही आएगा ना, तो 4 से भाग करोगे 16 में 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, माइनस ही हो जाएगा 7, इस तरह से माइनस 3/16 आएगा। कमेंट करके बताना अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगेगा तो, क्योंकि 16 का 16 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करोगे 7 आएगा, तो माइनस 3/ क्या आ गया, ये माइनस 3/16 आ गया, ध्यान देना मैं इसको 60 में लिख दे रहा हूँ, माइनस 3/16 इसके बगल में ये लो मैं लिख दे रहा हूँ, बात समझ में आया। अब माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, माइनस 4/7 माइनस 3/16, 16/7 का एलसीएम लोगे 16/7 112, देखो सीधा सीधा आ रहा है, इधर साइड में हल कर लो, एलसीएम 112 आ गया ना, तो एलसीएम यानी कि 112 में 7 से भाग करोगे 16 आएगा, 16 के 4 में गुणा करोगे तो 16/4 64 हो जाएगा, माइनस 16 का 16 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 का भाग करोगे एलसीएम यानी 112 में 7 आएगा ना, 7 का गुणा करोगे 3 में 21 हो जाएगा, माइनस 21, इस तरह से जब आप जोड़ोगे तो माइनस 85/112 आएगा, बात पल्ले पड़ी ना। देखो LHS RHS दोनों बराबर आ गया, माइनस 85/112 और माइनस 85/112 दोनों में एक ही समान आया है, उतना ही आया है, नोट कर लो जल्दी से, आपका ये तीसरा सवाल भी हो चुका है, ध्यान देना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से मित्रों ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। जिन साथियों को पूरा मैथ पढ़ना है, घर बैठे कंप्लीट कोर्स करना है, मैथ में कुछ भी नहीं आता, हम उनको गारंटी के साथ सिखाएंगे। इसके लिए आपको मात्र 549 का एक बार सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने का तरीका क्या है सब आपके सामने है, व्हाट्सएप का नंबर भी यही है, फ़ोन पे का नंबर भी यही है और गूगल पे का नंबर भी यही है, आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। अगर आप बैंक का अकाउंट चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जिस भी बैंक का आप चाहेंगे उस बैंक का मिल जाएगा। दूसरी बात, YouTube पर जो भी क्लास पब्लिश होती है उसे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ चैनल से जुड़े रहना है। हम आपको 50-60% क्लास YouTube पर बिल्कुल फ्री में दिखाएंगे, 50% 60 नहीं, ठीक है। जैसे 20 क्लास अगर चलती है तो 20 में से 10 क्लास आप PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख पाओगे, बिल्कुल सेम टू सेम। और कुछ ऐसे ही क्लास जब आप 549 रुपये का पेमेंट करोगे तो आपको और भी मिलेंगी, लेकिन उस तरह से आपको 100% क्लास मिलेगी, आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया जाएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा, आपका स्टडी में हर प्रकार का सपोर्ट किया जाएगा और आप हमारे 200,000 स्टूडेंट में से सबसे फेवरेट बन जाएंगे अगर आप इसको करेंगे तो। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में इतना योगदान करें, अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपका बस और ऑटो का किराया, टैक्सी का किराया इससे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। PVR स्टडी के फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करिएगा, फेसबुक पर जा करके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखो रेड कलर में सब्सक्राइब है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, पर्सनलाइज ना करना, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इन बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, क्या बोलें, गुड मॉर्निंग या शुभ रात्रि, क्योंकि दोस्तों क्लास रिकॉर्ड होती है रात में और देखते आप सुबह हो, इसलिए गुड मॉर्निंग सभी को, आपका दिन शुभ हो एंड बहुत बहुत धन्यवाद।